Hello students, welcome to the YouTube channel of Lalbagh Girls Inter College. I'm Mrs. R. Singh. मेरा आज का लेक्चर क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है. जो चीज़ मैंने कल पढ़ाई थी आपको, उत्पादन फलन, उसी को आज आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे फिर से. जो ये आपको एक फिगर बनी हुई दिख रही है, एक टैब्यूलर फॉर्म में कुछ डेटा दिखाई दे रहा है, इसकी हेल्प से आप उत्पादन फलन समझेंगे. इस तालिका में फिर से उत्पादन के दो कारक लेके आपको उत्पादन फलन समझाया गया है. एक कारक है पूंजी और दूसरा कारक है श्रम. एक तरफ आपने पूंजी की यूनिट्स लिखी हुई हैं और दूसरी तरफ आपने श्रम की यूनिट्स लिखी हुई हैं. तो पूंजी की जो यूनिट्स लिखी हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. और जो श्रम के घंटे, श्रम की यूनिट्स लिखी हैं वो भी 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अब तालिका को समझने के लिए आप इसको कैसे पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि उत्पादन फलन हमें अधिकतम उत्पादन की मात्रा को बताता है. तो जिस समय पूंजी 0 units थी और श्रम भी 0 units था, तो उत्पादन भी 0 units हुआ. ना पूंजी लगी, ना कोई श्रम लगा, ना कोई उत्पादन हुआ. अब अगर पूंजी बढ़ के 1 unit या 2 unit हो भी रही है, लेकिन अगर श्रम 0 unit ही रहता है, उस केस में भी उत्पादन 0 units रहेगा. अगर आप श्रम इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, श्रम कुछ लगा ही नहीं, तो उत्पादन नहीं हुआ. सिर्फ भूमि अपने आप से कोई उत्पादन नहीं कर सकती है. अगर पूंजी 1 unit है और श्रम भी 1 unit है, तब उत्पादन 1 unit का हुआ. आप एक चीज़ और देखिए कि पूंजी लगाने के बाद अगर श्रम के घंटे 0 चल रहे हैं तो उत्पादन 0 चल रहा है. इसी तरीके से अगर श्रम के घंटे तो लग रहे हैं, श्रम की यूनिट्स तो दिख रही हैं 1, 2, 3 पे आप जहाँ भी देखिए, लेकिन अगर आपने कोई पूंजी नहीं लगा रखी है तो भी उत्पादन फलन 0 रहता है. इस तालिका से एक चीज़ और समझ आती है कि जैसे जैसे आप उत्पादन के कारकों में वृद्धि करेंगे तो उत्पादन फलन भी बढ़ता जाएगा, यानी उत्पादन की मात्रा भी बढ़ती जाएगी. अगर आप पूंजी की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं और आप श्रम के यूनिट्स को भी बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप तालिका को ध्यान से देखिए, उत्पादन फलन भी बढ़ता चला जा रहा है, उसमें भी वृद्धि हो रही है. तो निष्कर्ष क्या निकला इस उदाहरण से? निष्कर्ष ये निकला कि उत्पादन के लिए दोनों आगत आवश्यक हैं. यदि कोई भी आगत 0 हो जाता है तो कोई उत्पादन नहीं होगा. दोनों सकारात्मक आगतों के साथ निर्गत भी सकारात्मक होगा. और तीसरा कि जैसे जैसे हम किसी आगत की मात्रा में वृद्धि करते जाते हैं तो निर्गत में भी वृद्धि होती जाती है. दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.